एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिष्का रियल लाइफ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुशहाल होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो देख सकते हो लगभग शाम का टाइम हो रहा है और सबको बहुत जोरों से भूख लग गई है। और हम लोग क्या हुआ था कि शाम को सो गए थे, और सोने के बाद क्या होता है कि जब सो करके अब उठने के बाद इतना ज़ोर से भूख लगता है कि फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं क्या बनाऊं, क्योंकि कुछ था ही नहीं घर में। और तो देख सकते हो कि मैं चाउमीन बना रही हूँ। तो देखिए, ये चाउमीन में ऐसा कुछ मैं डाली नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास सामान नहीं था, ना ही इसमें पत्ता गोभी था, और सिर्फ प्याज से मैं बनाई हूँ और एक मसाला जो आता है वो मैं इसमें ऐड करी हूँ। और बाकी बस यही सब और थोड़ा सा विनेगर, ये विनेगर नहीं सोया सॉस था, और बाकी सब छोटे छोटे जो सॉस आता है वो सब तो मैं जल्दी से अरब को दे दी हूँ खाने के लिए, क्योंकि उसे ही ज़्यादा भूख लगती है बहुत ज़्यादा, और उसको शाम का मतलब जो भूख होता है ना वो बर्दाश्त नहीं होता है उससे। तो फिर मैं भी निकाल रही हूँ खाने के लिए। मेरे पति देव ड्यूटी गए हुए हैं, वो एक ही बार रात में आएंगे, और मैं और अमिष्का और आरव घर में थे। और देख सकते हो मेरा चाउमीन रेडी है। अब मैं किचन में जो इतना सारा फैला हुआ था तो मैं सोची जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद बर्तन भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था तो बर्तन भी जल्दी जल्दी धो लेती हूँ, क्योंकि देख रहे हैं बेसिंग में मेरा सारा बर्तन पड़ा हुआ है। और मैं धो करके बिल्कुल नहीं सोई हुई थी क्योंकि अमिष्का सो गई थी, तो मैं सब चीज़ छोड़ छाड़ के पहले सो गई, वरना फिर वो उठ जाती तो फिर हमको सोने नहीं मिलता। फिर यही कि दोपहर में नहीं सोती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है हमको, माथा में दर्द जो होता है ना दिन भर दर्द रहेगा, दवा खाइए चाहे जो खाइए वो ठीक नहीं होने वाला। इसी वजह से मैं एक टाइम दोपहर में किसी भी टाइम में सो जाती हूँ, और यही शाम को मैं उठी थी ना ऐसा लग रहा था ना कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मतलब थकान होता है, फिर काम करो बहुत ज़्यादा, इसी वजह से जितना करो काम वो सब कभी ख़त्म ही नहीं होता है, करते जाइए वो भी लगेगा कि अधूरा लगेगा। और बर्तन लगभग धुला गया है, और मैं जल्दी जल्दी देख सकते हो, और कढ़ाई में थोड़ा क्या होता ना कि टाइम लेता है, इसी वजह से मैं लास्ट में उसको धोती हूँ। और सारा काम तो ख़त्म हो गया, अभी भी और पड़ा हुआ है, बहुत सारा काम है, शाम का काम है, लगभग यही 3:30 ही बज रही थी, 4 बजने वाला ही था। और सब इतना सारे मेरे व्यूवर्स हैं, कोई लाइक नहीं करता है मेरा वीडियो को, तो प्लीज़ आप सब देख के ऐसे ही चले जाते हो, एक लाइक दे दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए हमें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपने जितने सारे व्यूवर्स हैं मेरे लगता है कि हमको लगता है कि कोई 40% भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और डेली मैं ब्लॉग लाऊँगी, आप सब देखिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देख सकते हो मेरी बिटिया रानी मेरे पास आ गई है काम में हाथ बटाने के लिए। तो ये सब मैं छत पर गई थी, पहले सबसे पहले छत पर से सारा कपड़ा उठा करके लाई हूँ क्योंकि सब सूख गई थी कपड़ा सब। और ये सब देख रहे हो सारा अमिष्का का कपड़ा है। उसके बाद मैं धीरे धीरे सारा काम ख़त्म करूँगी, तब लगेगा कि हाँ चलो अब मुझे काम पड़ा रहे ना, तो लगेगा कि बीमारी जैसा लगता है, बहुत बड़ा बीमारी हो चुका है। और काम जैसे समाप्त हो जाएगा वैसे इतना सुकून महसूस होता है, इतना अच्छा लगता है ना, जैसे लगता है बहुत अच्छा फीलिंग होता है। तो देख सकते हो मेरी बिटिया रानी को खेल रही है, वो उसको काम जहाँ करती हो ना वहीं जा करके आ जाती है वो। अब ये सब मैं डाल दे रही हूँ, अब देखिए ये देखिए तो इस वीडियो को मैं यहीं रखूँगी फ्रेंड। आप सब डेली व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ मेरे प्यारे व्यूवर्स
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें, और डेली ब्लॉग देखने के लिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें। और मैं डेली ब्लॉग लाऊंगी, आप सब देखिएगा कि मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो आप सब के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है, आप सबका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट करें ताकि और नए नए वीडियो मैं लाऊं। और अपना ख्याल